हेलो एवरीवन, वेलकम टू ये ऑनलाइन लेक्चर। सो स्क्रीन पे जो आप स्लाइड देख रहे हो, हमारा आज का टॉपिक जो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस, ये टॉपिक हम करने वाले हैं। सी प्रीवियस जो सेशंस है, हमने कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस पे ऑलरेडी देखे हैं, ठीक है ना। सो हम आज क्या करेंगे कि कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। सो मैं अभी क्या करूंगा कि आपको कुछ क्वेश्चंस डिस्प्ले करता रहूं, देन विल गो थ्रू द क्वेश्चंस कि किस तरह से क्वेश्चंस दिए जाते हैं, किस तरह से आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन डिस्प्ले करने जा रहा हूँ। सी दिस इज द क्वेश्चन, लाइक क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में देखो। इफ अजय इज एज मच एल्डर देन विजय एज ही इज यंगर टू कुणाल एंड सम ऑफ द एजेस ऑफ ages of Vijay and Kunal is 36 years, then find the age of Ajay, ऐसा कहा है इन्होंने। सी देखो, यहाँ पे जो अजय, विजय या फिर कुणाल है, इन तीनों के एज का जो भी प्रेफरेंस आपको दिया है, यू शुड अंडरस्टैंड कि किस तरह से वो एजेस देते हैं, किस तरह से आपको पूछा जाता है। देखो, उन्होंने कहा है कि अजय जो है वो उतना ही एल्डर है। एल्डर मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग एल्डर मतलब होता है उम्र में बड़ा होना, ठीक है ना, राइट, उम्र में बड़ा होना। और यंगर का मतलब होता है उम्र में छोटा होना। सो वो क्या कह रहे हैं, अजय उतना ही विजय से बड़ा है जितना वो कुणाल से छोटा है, है ना। मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि कुणाल जो है अजय है और आपका विजय है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अजय इज एज मच एल्डर, अजय जो है वो बड़ा है उम्र में विजय से, सही है। एज ही इज यंगर टू कुणाल, मतलब कुणाल से वो यंगर है, कुणाल की उम्र बड़ी है अजय से। और ये जो गैप है ना, राइट, ये जो गैप है उनके बीच में है ना, ये सिमिलर है। मतलब अगर सोचो कि कुणाल अजय से 5 साल ही बड़ा होगा ना, तो अजय भी विजय से 5 ही साल बड़ा है, तो उनके एज का सब्ट्रैक्शन जो है वो सेम आना चाहिए। बट ये 5 है ऐसा किसने बताया, है ना, ये हमें थोड़ी पता है। वो एक्स ईयर्स हो सकता है गैप, उसमें कुछ भी हो सकता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। एंड देन जब आप रिलेशन फाइंड आउट करोगे उनमें, you have to consider the sum of Kunal and Vijay as 36 years, और वो find out करना है। So मैं आपको समय देता हूँ इसको solve करने के लिए, try with it, और कुछ देर बाद जो है we'll go for the solution, किस तरह से इसको solve करना है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और additional जो चीजें होंगी वो भी हम discuss करेंगे, ठीक है। So go for it.
ओके सो लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखो आपके क्वेश्चन में जो तीनों लोग दिए ना, आपको क्या करना है, इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। कैसे? देखो जैसे मैंने अजय को इन बिटवीन यहाँ पे लिखा है, ठीक है, मैं वैसे ही रिप्रेजेंट करता हूँ कि अजय अगर इस साइड है, ठीक है, और ये ना थोड़ा सा रिस्क कर देता हूँ मैं। सो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ अजय को, ठीक है, इस साइड मेंशन करता हूँ विजय को, ठीक है, एंड इस साइड मेंशन करता हूँ कुणाल को। अब देखो मैंने क्या कहा था आपको कि इन तीनों में जो रिलेशन है, लाइक दोनों का कंपैरिजन किसके साथ है, अजय के साथ है, कि अजय जितना विजय से बड़ा है उतना ही कुणाल से छोटा है। तो आप क्या करो, अजय की वैल्यू एक्स कंसिडर करो कि अजय का एज जो है वो एक्स होगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे जो भी डिफरेंस है, लाइक कितना बड़ा है, तो वाई ईयर से बड़ा है और वाई ही ईयर से छोटा है, ऐसा कंसिडर अगर हम करते हैं। तो इनमें बड़ा कौन है अजय से? देखो अजय इज एज मच एल्डर देन विजय, है ना, बड़ा है वो कितने साल से, तो वाई साल से। सो विजय का एज जो है वो एक्स में से वाई सब्ट्रैक्ट करोगे इतना ही हो जाएगा। समझ रहे हो आप कि अगर हम सोचे कि आपका जो अजय है उसका एज अगर एक्स है तो उसमें से वाई सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा कि उनमें एज का डिफरेंस कितना है, ठीक है। अब कुणाल वाई ईयर से ही बड़ा है, राइट, लाइक मतलब हम क्या करेंगे, इधर एक्स प्लस वाई डाल देंगे। आप देखो ये अगर किसी को लॉजिक समझ में नहीं आया तो सोचो कि अजय का एज अगर हम एक्स पकड़ते हैं, सोचो अगर विजय मतलब अजय 5 साल से बड़ा है विजय से, ऐसा सोचते हैं, सो विजय मतलब ऑब्वियसली अजय से 5 साल छोटा होगा, तो आप यहाँ पे एक्स माइनस फाइव लिख सकते हो, सही है। और कुणाल उतना ही बड़ा है ना उससे, अजय से, सो आप एक्स प्लस फाइव करना पड़ेगा। लेकिन ये किसने बताया है कि फाइव ही है, फाइव की जगह पे 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। सो आप इस फाइव की जगह पे वाई पकड़ो, ऐसा मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। सो तीनों का जो एज है वो सेम रिलेशन में आपको जब मिल जाता है, देन व्हाट एवर द कंडीशंस गिवन यू कैन सॉल्व विद इट, ठीक है ना। देखो उन्होंने क्या कहा है, विजय और कुणाल का जो एडिशन है, देखो विजय और कुणाल के एज का अगर आप एडिशन करते हो तो वो 36 ईयर्स दिया है, सही है। अब यहाँ पे विजय का एज कितना दिख रहा है मुझे, इट इज एक्स माइनस वाई, है ना, और कुणाल का एज कितना दिख रहा है, एक्स प्लस वाई, सो दिस इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे देखो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाता है और आपको मिलता है 2x इज इक्वल टू 36, ठीक है ना। और x इज इक्वल टू जो है यू विल गेट इट इज एज 18, सही है। अब x की वैल्यू मिल गई, आप जो चाहे वो कैलकुलेट कर सकते हो। उन्होंने क्या कहा है, अजय का एज बताओ। सो अजय का एज अगर हम देखें आप तो वो तो x है, मतलब x की वैल्यू कितनी है, तो वो तो 18 ही है, मतलब आपका आंसर 18 ही होना चाहिए, ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर वन जो है वो आपका एक्चुअल आंसर होगा, है ना। सो आई होप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। सो कंडीशन अलग अलग तरीके से आ सकती है आपके क्वेश्चन में, इसको आपको पहचानना है कि किस तरह से आप सॉल्व करोगे। देखिए यहाँ पे देखो कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि ए बी सी तीन लोग है, ठीक है ना, और ए का एज जो है वो बी से ट्वाइस है, बी का एज सी से ट्वाइस है, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, सी का वन कंसिडर करो, ठीक है, बी जो है वो ट्वाइस हो जाएगा, ए जो है वो फोर हो जाएगा, आप इसका रेशियो ले सकते हो। मैं जो भी उन्होंने कैलकुलेशन कहा होगा दैट यू कैन गो विद एंड सॉल्व दैट क्वेश्चन, यू नो। सो अलग अलग कंटेक्स्ट में यहाँ पे कंपैरिजन दिया जा सकता है, तो ये तो रेशियो में दिया है, कभी परसेंटेज में दे सकते हैं। सो परसेंटेज में वो कैसा कहेंगे कि ए का एज जो है वो बी से 50% ज्यादा है और बी का जो है वो ए से 25% ज्यादा है, तो आप कैसे कंसिडर कर सकते हो। अगर सी 100 है, परसेंटेज में अगर कंपैरिजन दिया जाता है, यू शुड कंसीडर वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू 100, 100 या फिर 100 के मल्टीपल में वैल्यूज को कंसीडर करो, है ना, और उस हिसाब से जो है आंसर लिखो। लाइक सी अगर 100 होता है, बी उससे 50% ज्यादा है, मतलब ये 150 है, ऐसा कंसीडर करेंगे, और ए अगर इससे भी 20% ज्यादा है, 20% कम है, तो उस रिस्पेक्ट में 150 को चेंज करो, ठीक है ना। लाइक यहाँ पे अगर 150 लिखा है, ठीक है, और मुझे इसको चेंज करना है यहाँ पे, ठीक है ना, तो मैं इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ 150 को। अगर मैं कहूँ कि ए का एज जो है वो बी से 20% ज्यादा है, सो मतलब वो 120/100 ऑफ 150 है, ठीक है, फिर आप इसको कैंसिल करो, है ना, जिस तरह से भी सॉल्व करोगे यू विल गेट योर रेशियो, ठीक है, और फिर रेशियो के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को, ठीक है, देन मैं जो है आगे का क्वेश्चन आपको डिस्प्ले करूंगा, देन विल सी कि किस तरह से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सो आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं क्या है।
This is the next question. What it says, the respective ratio of ages of Anubha and her mother is 1:2. So Anubha और उसकी mother जो है उनका ratio जो है वो 1:2 है. After 6 years, 6 साल के बाद the ratio of their ages will be 11:20. तो 6 साल के बाद ये ratio बदल के कुछ अलग ही होने वाला है 11:20. And 9 years before, what was the respective ratio of their ages पूछ रहा है. So ये 9 years before जो है जो भी value होगी वो तो हम calculate कर लेंगे, ठीक है ना. लेकिन इससे पहले उनकी जो रियल वैल्यूज है एजेस की वो हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है ना. और उस हिसाब से फिर हम ये 9 साल पहले वाला जो भी वैल्यू रहेगा वो कैलकुलेट कर लेंगे. आई होप दिस इज क्लियर. सो मैं इसके लिए थोड़ा सा समय देता हूँ आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, है ना. देन विल गो फॉर सॉल्यूशन, ठीक है. सो जल्दी से सब लोगों को इसको सॉल्व करना है, मुझे आंसर बताना है इसका आंसर क्या है, ठीक है. चलिए शुरू करिए. So, ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए ना वी हैव डन विथ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स. दो अलग अलग टाइप के मेथड्स देखे हमने सॉल्व करने के लिए, ठीक है. अब यहाँ पे आपके पास जो सिंपल वे है, कन्वेंशनल वे है टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज लाइक ये जो रेशियो है उनको आप एक्स की वैल्यू में कंसिडर कर सकते हो. लाइक यहाँ पे कौन है आपके पास, तो सबसे पहली पर्सन है यहाँ पे आपके पास अनुभव, ठीक है. मैं दोनों मेथड से बताऊंगा आपको इसको कैसे सॉल्व करना है. अनुभा है और उसकी मदर है सेकंड, ठीक है ना. देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उनका रेशियो 1:2 है. सो इसका मतलब मैं अनुभा का एज x और उसकी मदर का एज 2x कंसिडर कर सकता हूँ, x एंड 2x, ठीक है. अब ये कब का बात हुआ, तो ये ईज है, मतलब ये प्रेजेंट वाला वैल्यू दिया है उन्होंने, ठीक है ना. अब आफ्टर 6 ईयर्स जो है वो रेशियो बदलने वाला है. 6 साल बाद इनके इंडिपेंडेंट एजेस कितने हैं वो देखते हैं. सो 6 ईयर्स आफ्टर एजेस ऑफ एज ऑफ अनुभा विल बी प्लस 6, राइट. सो दिस इज एक्स प्लस 6 एंड हर मदर इज आल्सो, मदर्स एज इज आल्सो इंक्रीज बाय 6 ईयर्स, नो. सो एक्स प्लस 6 एंड 2x प्लस 6 विल बी द एजेस ऑफ अनुभा एंड हर मदर आफ्टर 6 ईयर्स, ठीक है. एंड ये वैल्यू जो है यू हैव टू कंपेयर इट विद 11:20. ये आपका जो रेशियो है ना, क्योंकि ऐसा करने के बाद 6 साल के बाद जो है उनका रेशियो बदलने वाला है. सो नाउ वी कैन सॉल्व इट डायरेक्टली, राइट. मैं इसको इक्वेट करता हूँ. सो यहाँ पे अनुभा है, उसकी मदर है, एम फॉर हर मदर एंड ए फॉर हर अनुभा, ऐसे लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है. सो अनुभा का 6 साल वाला वाला एज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स प्लस 6 एंड उसकी मदर का भी 2x+6 एंड नाउ विल कंपेयर इट विद 11:20. बस इसके बाद जो है आपकी स्टेप आएगी कि आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. सो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये जो 20 है वो x प्लस 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है. एंड जो 11 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 6 से, ठीक है. सो देखिए यहाँ पे कितना आता है, लाइक दिस इज 20x प्लस 120. 11 से 2x प्लस 6 को अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 22x प्लस 66, ठीक है. So I hope ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना. Now
अगर आप एक्स वाली टर्म्स जो है यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हो तो 22x माइनस 20x आ जाएगा यहाँ पे, एंड 120 माइनस 66 हो जाएगा. सो दिस विल बी 54 राइट ऑन ऑन राइट हैंड साइड. 120 माइनस 66 एंड 22x माइनस 20x ये 2x आ जाएगा. सो 2x की वैल्यू अगर 54 है, सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 27. ठीक है, नाउ यू गेट व्हाट एवर द वैल्यू यू वांट. अब इसका यूज करके हम जो चाहे वो कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है ना. सो उन्होंने कहा है कि 9 साल बाद का उनका जो है वो रेशियो बताओ. सो प्रेजेंट में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्रेजेंट में एजेस कितने हैं उन दोनों के? देखो, प्रेजेंट में अनुभा का एक्स है और मदर का जो है वो 2x है. सो अगर मैं अनुभा और उसकी मदर का एज अलग अलग से लिखू यहाँ पे, सो अनुभा 27 ईयर्स की है और मदर 2 x, मतलब वो 54 आ जाएगा. सही है ना. लेकिन 9 साल बाद, 9 साल बिफोर, 9 ईयर्स बिफोर पूछा है ना हमें. सो इन दोनों के एज में से 9 9 ईयर्स जो है मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एंड देन व्हाटएवर द रिमाइंडर्स विल बी आई टेक देयर रेशियो. तो यहाँ पे 27 माइनस 9 जो है ये 18 आएगा, एंड 54 माइनस 9 जो है वो 45 आएगा. अब ये 18:45 जो है, दिस इज योर रिक्वायर्ड रेशियो, बट इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट 9. सो 2:5 जो है इट इज आर आंसर. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है ना. आई होप कि ये समझ में आया है आपको. देखो, जब कोई पर्टिकुलर रेशियो होता है और वो बदल के कुछ नया हो जाता है, यू कैन यूज दिस मेथड. अब देखो यहाँ पे मैं दूसरा जो आपको मैंने मेथड कहा था वो कैसे यूज कर सकता हूँ. देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन है, जब आपको क्वेश्चन सिमिलर टाइप से दिखे तभी ये मेथड यूज करना है आपको, है ना. तो जरूरी नहीं है कि दूसरे कंटेक्स में भी यूज कर नहीं सकते हो आप, है ना. मिक्सचर रिलेशन नाम का एक आपका टॉपिक होता है, उसमें भी इसके कंसेप्ट यूज कर सकते हो, बट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मेथड को आपको. ठीक है, ये जो मैं सेकंड वाली बताने वाला हूँ. देखो यहाँ पे अनुभा है, ठीक है, देन उसकी मदर है. आपको क्या करना है यहाँ पे कि उनका पहला रेशियो कितना है, 1:2, वो मेंशन कर देना है. नीचे जो है दूसरा रेशियो बदल के कितना होने वाला है वो मेंशन कर देना है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू चेक द डिफरेंसेस अमंग द टू रेशियोज टर्म्स. लाइक अनुभा का पहले कितना है, 1 है, और बाद में बदल के 11 हो गया, ऐसा हम सोचेंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, 10 आ रहा है. ठीक है ना. एंड उसकी मदर जो है उसका पहले टर्म था 2, ना वो 20 है, तो डिफरेंस अगर लेते हो आप तो 18 का आ रहा है. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो डिफरेंसेस मैंने लिए है ना, ये सेम आने चाहिए. अगर ये सेम नहीं है तो हमारी एक स्टेप जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, है ना. क्या करना है उस स्टेप में, ये डिफरेंस सेम लाने के लिए आपको अलग अलग वेज यूज करना है. ठीक है, यू कैन टेक एलसीएम ऑफ दोस टर्म्स एंड एलसीएम कैलकुलेट करके भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, बट मैं इसको थोड़ा सा और एक सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको क्या करना है. यहाँ पे जो 11 और 20 है, ठीक है, बस इसका लेना है डिफरेंस. सही है. सो 11 और 20, 9 का जो डिफरेंस आता है ना, 9 से आप क्या करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 1 को और 2 को. ठीक है, और 2 और 1 में कितना डिफरेंस आता है 1 का, तो उस 1 से जो है नीचे वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो. देखो यहाँ पे क्या करना है, मैं फिर से बताता हूँ आपको. तो जो नीचे वाला रेशियो है 11:20, इसका डिफरेंस ले लो, उससे ऊपर वाले रेशियो के टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, देन ऊपर वाले टर्म्स जो है 1:2 जो रेशियो है उसका डिफरेंस ले लो, और नीचे जो सेकंड वाला रेशियो है आपको उनकी हर एक टर्म को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दो. ये आपके स्टेप हो गए. अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ये फाइनल वैल्यूज लिख लोगे, लाइक 9 1 9, 11 11. ठीक है, देन 9 2 18 और 21 20. ठीक है, अब ये जो पुरानी वैल्यूज है आपके रेशियोज की, आपको ये कट करना है. क्यों, अब इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे. अगर आप देखोगे यहाँ पे 9 और 11 का अगर आप डिफरेंस देते हो तो वो भी 2 आता है, और 18 और 20 का भी डिफरेंस देखो 2 आता है, तो ये सिमिलर हो गया. पहले ये सिमिलर नहीं था. देखो, अगर डायरेक्ट रेशियोज अगर दिए जाते हैं और उनमें अगर आप ये डिफरेंस देते हो, ये डिफरेंस अगर सेम आता है, तब ये जो चेक की है, लाइक इक्वल करो रेशियो को, है ना, और सर्कल में अलग अलग रेशियो देखो, ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है ना. तो ये स्टेप अगर नहीं करनी पड़ती है, डायरेक्ट आंसर आएगा आपको जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तभी आप ये सोच सकते. लेकिन अगर ये नहीं होता है तो यू हैव टू गो फॉर दिस स्टेप. ठीक है, एंड आफ्टर दैट वन फिर सिमिलर ही प्रोसेस होगी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है ना. सो यहाँ पे देखो, ये जो पहला रेशियो था मेरा, ये पहला रेशियो कब का था, तो ये प्रेजेंट का था. ये सेकंड वाला जो रेशियो दिया है वो कब का, 6 ईयर्स आफ्टर. अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो
ये जो प्रेजेंट से लेकर 6 साल आगे तक का ओरिजिनल ईयर्स में गैप है ना, ये 6 साल का ही है। लेकिन अगर हम हमारे रेशियो के टर्म का डिफरेंस दे रहे तो वो तो 2 दिख रहा है मुझे, मतलब इस 2 की ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 6 ईयर्स है। सो 2 की वैल्यू अगर 6 होती है तो 1 की कितनी होगी? 3 होगी। आपको कैसे फाइंड आउट करना है? 6 को 2 से डिवाइड करो, ये 3 मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ये 3 मिलने के बाद आप जो चाहे वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अनुभा और उसकी मदर जो है उनका आज का एज अगर हम देखें तो 9:18 जो है यहाँ पे रेशियो दिख रहा है ना, उसको इस 3 से मल्टीप्लाई करो। लाइक यहाँ पे 9:3 लिखना है आपको, है ना, और जो मदर का टर्म है 18:3 करना है। सो आपको इनका रेशियो मिल जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये आज का रेशियो होगा लाइक 27 है ना एंड 54, लेकिन ये आज का है, हमें 9 साल पहले वाला चाहिए। दोनों में से 9 9 ईयर्स सब्ट्रैक्ट करो, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 18:45, ठीक है ना। अब ये 18:45 जो है आप इसको रिड्यूस फॉर्मेट में लिख सकते हो बाय डिवाइडिंग इट विद 9। सो 2:5 आपको इस केस में भी आंसर मिलेगा। सो आई होप ये आपको समझ में आया है कि किस तरह से ये कैलकुलेशन किया जाता है, किस तरह से आपको डील करना है इस टाइप के क्वेश्चन। सो यू कैन यूज आइदर मेथड लाइक फर्स्ट वन और सेकंड वन, व्हाट एवर यू फील बेटर टू सॉल्व वन। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ना रेशियोज को ऑब्जर्व करना है सबसे पहले। इफ इट इज इजी टू सॉल्व इट विद द सेकंड मेथड, गो फॉर इट। अदरवाइज आप फर्स्ट वाली मेथड भी यूज कर सकते हो। दोनों इतनी भी क्या कहते हैं कि डिफरेंस इतना भी नहीं है इनमें कि एक बहुत ही ज्यादा टाइम लेते हैं और दूसरा बहुत कम टाइम लेते हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशंस में और जो चीजें आप राइट डाउन करते हो आपके पेपर पे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं जल्दी से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, समझना है, जल्दी से आंसर कैलकुलेट करके मुझे बताना है, ठीक है। देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट दे सेइंग? द एजेस ऑफ सुलेखा एंड अरुणिमा आर इन द रेशियो 9:8 रिस्पेक्टिव। आफ्टर 5 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 10:9। व्हाट इज द डिफरेंस इन ईयर्स बिटवीन देयर एजेस? उन दोनों के एज का डिफरेंस कितना है? देखो और एक चीज याद रखो एजेस केस में कि चाहे आप आज कोई दो लोगों के एज के बीच में डिफरेंस ले लो, चाहे 15 साल के बाद लो, चाहे 50 साल के बाद लो, डिफरेंस हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है ना। देखो आप और आपके पिताजी की उम्र में जो भी गैप है वो कभी चेंज होता है? नहीं चेंज होता है। क्यों? बिकॉज वट एवर द टाइम फ्रेम इन विच दोज पीपल आर, वो सेम टाइम फ्रेम से आगे पीछे जाते हैं। लाइक आप 5 साल के बाद आपका एज 5 साल से बढ़ेगा तो पिताजी का भी 5 साल से बढ़ेगा, लेकिन डिफरेंस लोगे तो सेम ही मिलेगा, आज जितना होगा उतना, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये भी एक कंडीशन याद रखिए। एंड मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा समय देता हूँ, ठीक है, देखते हैं आप कितनी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से सॉल्व करिए, मुझे बताइए इसका आंसर क्या है।
ओके लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा. देखो सुलेखा है, अरुणिमा है, रेशियो दिया है. आफ्टर 5 ईयर्स द रेशियो चेंजेस टू 10:9. देखो जो सेकंड मेथड हमने देखी थी, मैं देखो क्विकली कैसे इसको सॉल्व करता हूँ. लाइक आपका फर्स्ट पर्सन जो है वो सुलेखा है यहाँ पे, ठीक है, एंड सेकंड इज अरुणिमा, ठीक है. द रेशियो इज 9:8 एंड आफ्टर चेंजिंग इट फॉर सम इयर्स 9:10:9 हो रहा है, ठीक है. अब यहाँ पे अगर आप डिफरेंस लेते हो तो देखो 9 और 10 का डिफरेंस कितना आता है, 1 आ रहा है, और 8 और 9 का डिफरेंस भी 1 आ रहा है. तो सिमिलर डिफरेंस है, आपका काम हो गया समझो. कितना इजीली कितना क्विकली आंसर आता है देखो यहाँ पर. सो ये जो आपका रेशियो है वो प्रेजेंट का रेशियो है, ठीक है. और ये जो सेकंड वाला है 10:9, ये कब का है, आफ्टर 5 ईयर्स है. तो मुझे बताओ यहाँ पे जो गैप आएगा वो आएगा ओरिजिनली 5 साल का, है ना. मतलब डिफरेंस जो है प्रेजेंट वाली वैल्यू का, 5 साल बाद वाली वैल्यू का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 5 साल आना चाहिए, सही है. दोनों साइड का 5 साल आएगा, लेकिन यहाँ पे तो मुझे 1 दिख रहा है. मतलब इस 1 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 5 ईयर्स है. सो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ऑब्वियसली 5 हो जाएगा. नाउ आपको ये 5 मिलने के बाद यू कैन सॉल्व व्हाटएवर दे आस्क फॉर, व्हाट इज द डिफरेंस इन ईयर्स बिटवीन द एजेस. सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 9 और 8 का या फिर 10 और 9 का अगर आप डिफरेंस देते हो कितना आता है, 1 आता है. और इस 1 को इस 5 ईयर्स से मल्टीप्लाई करते हो, यू विल गेट योर आंसर एज 5 ईयर्स. मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है. अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आप अगर बेसिक वे से इसको सॉल्व करना चाहो तो किस तरह से कर सकते हो, देखो वो भी इजी है, मैं बताता हूँ क्विकली आपको. जैसे कि यहाँ पे सुलेखा है और अरुणिमा है. अब सुलेखा का एज जो है वो 9x है और अरुणिमा का 8x है, ऐसा कंसिडर करता हूं मैं. और आफ्टर 5 ईयर्स कितना होने वाला है, तो मैं इसमें 9x+5 ऐड करने वाला हूँ, और 8x+5 जो है ये आफ्टर 5 ईयर्स होने वाला है. और ये 5 साल के बाद इसका 10:9 होगा. मतलब आपको क्या करना है, अभी रेशियो लेना है सुलेखा अरुणिमा, सुलेखा डिवाइडेड बाय अरुणिमा, अगर मैं लिखूं सो 9x+5 डिवाइडेड बाय 8x+5 जो है इसको इक्वेट करना होगा 10:9 के साथ. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 81x आएगा प्लस 45 आएगा, देन 80x+50 आएगा, ठीक है ना. 81 और 80 का अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो ये x मिलता है मुझे, और 45 और 50 का करूं तो ये 5 मिलता है मुझे. तो x की वैल्यू 5 मिलने के बाद व्हाटएवर दे आस्क फॉर यू कैन कैलकुलेट इट. उन्होंने क्या कहा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन इयर्स बिटवीन द एजेस. अब देखो 9x और 8x उनके ओरिजिनल एजेस है, डिफरेंस कितने का है, x का है. x मतलब कितना, 5 इयर्स. मतलब देखो आपका आंसर जो है वो सेम मिला, है ना. 5 साल जो है वो आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 ही. तो यू कैन यूज आइदर वे, लेकिन फर्स्ट वाला वे अगर आप यूज करते हो तो बहुत क्विकली आंसर कैलकुलेट होगा, ठीक है. बट ये आपकी चॉइस है. कैलकुलेशन का स्पीड इतना जल्दी नहीं बढ़ेगा अगर आपने अभी स्टार्ट किया कैलकुलेशन, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको बढ़ानी पड़ेगी, दैट विल बूस्ट अप योर स्पीड. कैलकुलेशन की अलग अलग टेक्निक्स जो होती है, अलग अलग टाइप ऑफ छोटे छोटे जो बेसिक मैथ्स के कैलकुलेशन होते हैं उनको बार बार परफॉर्म करना बहुत जरूरी है. उसके सिवा जो है आपका यहाँ पे कैलकुलेशन में समय जो कम कंज्यूम होना चाहिए वो नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, सी दिस वन. The respective ratio of present ages of mother and daughter is 7:1. 4 years ago, the respective ratio of their ages was 19:1. What will be the mother's age 4 years from now? 4 साल एक present का ratio है, 4 साल पहले वाला है, और पूछा जो है वो 4 साल बाद वाली वैल्यू. मैं थोड़ा सा समय देता हूँ आपको इसको सॉल्व करने के लिए, गो फॉर इट. देन देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है. चलो शुरू करिए.
चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा. यहाँ पे रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ परसेंटेजेस ऑफ मदर एंड डॉटर. सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में जो दो लोग हैं, एक मदर है एक डॉटर है, तो आई विल रिप्रेजेंट मदर फॉर एम एंड डी फॉर द डॉटर. और रेशियो उनका 7:1 है. सो यहाँ पे अगर मैं पहला रेशियो यहाँ पे लिख दू 7:1 है और नेक्स्ट रेशियो जो है 19:1 अगर लिख दू, दोनों का डिफरेंस तो ऑब्वियसली सेम आएगा नहीं, क्योंकि 7 और 19 का जो डिफरेंस है वो अलग आएगा. 1/1 का अगर मैं डिफरेंस देता हूँ तो वो तो जीरो आ रहा है, मैच नहीं कर रहे ना. तो जो मैच करने वाली स्टेप है वो आपको यहाँ पे कंसिडर करनी होगी. मैच करने वाली स्टेप कौन सी, तो यहाँ पे डिफरेंस सेम करवाना होगा. कैसे किया जाएगा, वॉट एवर द वैल्यू यू हैव यू जस्ट हैव टू टेक डिफरेंस ऑफ इट वन, है ना. लाइक 19 और 1 का डिफरेंस लेना है आपको. सो 19 और 1 का अगर आप डिफरेंस लेते हो वो तो 18 आता है, उस 18 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, 7 और 1 में जो डिफरेंस आता है उससे जो है 19 और 1 को मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया आपका काम. अब 18 × 7 जो है वो आपका आ जाता है 126. ठीक है, पुराना रेशियो कट कर देते हैं. देन यहाँ पे 19 × 6 अगर आप करोगे वो आ जाता है 114. अब 18 × 1 = 18 दूसरी साइड एंड 6 × 1 = 6. ठीक है, अब ये पुराने रेशियोज जो है ना आपके वो कट कर दो यहाँ पे. क्लियर है. सो आई होप कि ये स्टेप आपको समझ में आई है अच्छे से. अब डिफरेंस अगर आप लेते हो तो वो आता है 12. दोनों का 12 आता है. देखो आप 126 और 114 का भी डिफरेंस 12 है और 18 और 6 का भी डिफरेंस जो है वो 12 है. तो हमारा काम यहाँ पे बन गया. अब ये 12 का जो डिफरेंस आया है, ठीक है ना, इसको आपको किसी ओरिजिनल वैल्यू के साथ कंपेयर करना बहुत जरूरी है. ओरिजिनल वैल्यू मतलब कौन सी कह रहा हूँ मैं, देखो ये पहला रेशियो जो है ये कब का है आपका फर्स्ट रेशियो, ये फर्स्ट रेशियो देखो ये प्रेजेंट का रेशियो है, सही है. और ये जो सेकंड वाला रेशियो दिया है 114 एंड 6 जो भी हमारे नई वैल्यू आई है, दिस विल बी 4 इयर्स एगो वाला, ठीक है ना, 4 साल पहले वाला. मतलब इस पूरा प्रेजेंट से लेकर 4 साल मुझे अगर पहले जाना है वैल्यू कितना होगा. -4 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि 4 साल पीछे जा रहा है, बट ये माइनस साइन का कोई जरूरी जरूरत नहीं है हमें. ठीक है, whatever the value you have over there it is important to us. So 12 की वैल्यू यहाँ पे कितने दी है आपको, तो 4 दी है, ऐसा सोच सकते हो आप. ओरिजिनल इयर्स में वो 4 इयर्स है, तो यहाँ पे इस 12 को ना 4 के साथ कंपेयर करेंगे. 12 की वैल्यू अगर 4 है तो फिर 1 की कितनी, कुछ नहीं करना है आपको, 4 से 12 को डिवाइड करना है. मतलब ये आपको जो है ये 1/3 ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर दिलाता है. मतलब 1 की वैल्यू जो है वो 1/3 है, और इस 1/3 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो यू विल गेट द वैल्यू. क्या कह रहे हैं वो, मदर का एज फाइंड आउट करना है ना. ठीक है, सो देखते हैं मदर का आज का एज अगर मैं देखूं तो 126 है, उसको मुझे 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन 4 इयर्स फ्रॉम नाउ कहा है ना, ठीक है, प्रेजेंट से 4 साल आगे जाना है तो इसमें और मुझे 4 साल ऐड करने पड़ेंगे, है ना. सो यहाँ पे देख सकते हो, है ना, 3 × 4 = 6 एंड 42 + 4 जो है वो कितना होगा आपका, 46 years is the required answer. तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब देखो सेकंड वे से कैसे सॉल्व कर सकते हो इसे. तो सेकंड वे में क्या है, मदर है उसकी डॉटर है. आप पहला रेशियो है यहाँ पे, सो मदर और डॉटर का एज जो है आई कंसीडर इट एज द प्रेजेंट एज ऑफ मदर. मदर का एज जो है वो 7x है और जो डॉटर है उसका एज x है. 4 इयर्स एगो दोनों का एज कितना होगा, 4 इयर्स एगो अगर हम देखें तो मदर का एज 7x - 4 हो जाएगा और डॉटर का एज x - 4 हो जाएगा. अब इसका अगर मैं रेशियो ले लूं लाइक मदर डिवाइडेड बाय डॉटर करूं, मदर का एज 7x - 4, डॉटर का एज x - 4 and the ratio will become 19:1. Now we have to just cross multiply it like 7x + 7x - 4. अगर आप 1 से multiply करते हो तो टर्म वही रह जाएगी, है ना. And
19 से अगर x माइनस 4 को मल्टीप्लाई करते हो तो इट विल गिव यू 19x माइनस 19 4s आर यहां पे 76 आ जाएगा, सही है। नाउ इफ वी एडजस्ट दिस वन विल गेट 12x इज इक्वल टू 72x 72 या नॉट x यस। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 6। x की जब 6 वैल्यू आ जाती है व्हाट एवर यू वांट टू कैलकुलेट आराम से मिल जाएगी। लाइक मदर है, मदर का आज का एज कितना दिख रहा है मुझे 7x दिख रहा है ना, सो मैं ये 7x की जगह पे 6 डाल देता हूं तो ये 42 आ जाएगा। लेकिन व्हाट एवर दे आस्क फॉर आफ्टर 4 इयर्स लाइक 4 इयर्स फ्रॉम नाउ सो वी हैव टू ऐड 4 इन दिस 42 एंड वी विल गेट आंसर 46 इयर्स है ना। मतलब यहां पे 46 ऑप्शन नंबर 3 जो है वो वही आंसर मिलेगा। सो चाहे आप फर्स्ट मेथड यूज करो सेकंड मेथड यूज करो यू कैन गेट द सेम आंसर। कैलकुलेटर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, इतना ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, बट आई एम व्हाई आई एम टेलिंग यू विद रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द मेथड्स ताकि आपकी चॉइस रहेगी जब आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है कि क्या आप फर्स्ट मेथड से जाना चाहोगे सेकंड मेथड से, ठीक है ना। तो चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ, देखते हैं आप किस तरह से इसको सॉल्व करते हो। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, the respective ratio of percentage of Swati and Truthi is 4:5. This is saying the respective ratio of their ages will be 6:7. What is the difference between their ages? So, मैं थोड़ा सा समय देता हूँ आपको इसको सॉल्व करने के लिए, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है। 4:5 रेशियो है और 6 साल के बाद वो 6:7 होने वाला है। तो जो भी हमने प्रीवियस दो एग्जांपल सॉल्व किए हैं सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल है, सिर्फ वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। तो देखते हैं आप इसको कैसे सॉल्व करो, मैं समय देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, जल्दी से सॉल्व करिए, मुझे आंसर बताइए इसका क्या होगा, ठीक है।
ओके चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सो स्वाति एंड तृप्ति है ना, दो लोग हैं। तो यहां पे इनका रेशियो 4:5 गिवन है पहले, ठीक है। 6 years hence the respective ratio of the ages will be 6:7। बस अभी आपको क्या करना है, जस्ट डिफरेंस लेना है, ठीक है। 4 और 6 का 2 का डिफरेंस आता है, 5 और 7 का भी 2 का डिफरेंस आता है। लेकिन ये ओरिजिनल ईयर्स में देखते हैं जरा, देखो ये प्रेजेंट का आपका पहला रेशियो है और सेकंड 6:7 कब का है, 6 years hence का, मतलब 6 साल बाद वाला है। तो यहाँ पे ओरिजिनल इसमें गैप कितना हुआ, 6 साल का हुआ। तो इस 2 की ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 6 साल है, तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना होगा, 3 का हो जाएगा, ठीक है ना। बस 3 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द वैल्यू, समझ रहे हो। सो पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस। डिफरेंस अगर देखा जाए यहाँ पे, सो वो 4 और 5 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। इस 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 3 ईयर्स ही आंसर मिलता है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, समझ रहे हो आप। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है जिसमें 3 ईयर्स लिखा हुआ है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। सो आई होप ये आपको समझ में आया है कि किस तरह से मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्लियर करता हूँ आपसे, आपको और फिर आपको समय देता हूं टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या दिया, प्रेजेंट एज ऑफ ज्योति इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द एज ऑफ सोनिया। आफ्टर 12 ईयर्स ज्योति विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनिया। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सोनिया। देखो यहाँ पे जो रेशियो गिवन है आपको सीधा सीधा तो रेशियो दिया नहीं है, कंपैरिजन के फॉर्मेट में आपको अगर रेशियो दिया है तो आपको सबसे पहले डिराइव करना है, उसको रेशियो के फॉर्मेट में कंसिडर करना है, देन आगे बढ़ना है। सो मैं आपको समय देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ट्राई विद इट, देन विल गो फॉर सोल्यूशन। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट एज ऑफ ज्योति इज 4 टाइम्स एज ऑफ सोनिया।
ज्योति है यहाँ पे और सोनिया है। फोर टाइम्स अगर है तो सोनिया का एज अगर वन कंसिडर करते हो तो ज्योति का एज 4 हो जाएगा, तो 4:1 रेशियो है। एंड आफ्टर 12 ईयर्स ज्योति विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनिया का है। सोनिया अगर वन होती है तो ज्योति जो है वो 3 टाइम्स मतलब 3 हो जाएगी आफ्टर 12 ईयर्स। सो ये जो पहला रेशियो है 4:1, ये कब का है? ये प्रेजेंट है, ठीक है ना। एंड आफ्टर 12 ईयर्स ये 3:1 होने वाला है। तो गैप कितने साल का है यहाँ पे? 12 साल का है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं गैप कितना है। सो 4 और 3 का तो 1 है और यहाँ पे 0 है। सो ये मैच नहीं कर रहा है, वी हैव टू मैच इट। आई विल डू इट। लाइक 3 और 1 का जो डिफरेंस है लाइक कितना होता है? 2। दोस 2 से हम यहाँ पे 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 4 और 1 का डिफरेंस कितना है? 3। तो 3 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो नई वैल्यूज है 2 और 3 आ गई है ना दूसरे साइड, और यहाँ पे 4 2 8 एंड 3 3 9 आ गई। देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 ही आ रहा है। मतलब ये पुराने रेशियोस कट कर दो आप। अब ये 1 की वैल्यू कितनी है? तो ओरिजिनली वो दिखाई दे रही है मुझे 12 साल है। सो 1 की वैल्यू जो है वो 12 ईयर्स है, तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो है वो 12 साल का है, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सोनिया पूछा है, तो परसेंटेज ऑफ सोनिया कहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे? ये जो ट्रू वैल्यू रिप्रेजेंट की जा रही है ना यहाँ पे सोनिया का एज है। बस आपको क्या करना है, इसको आपके मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। सो कितना आ जाएगा आंसर? 24 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हो आप? सो किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, आई होप ये आपको समझ में आया है ना। सो इसी तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। द एजेस ऑफ शिरीष एंड कुंदर आर इन द रेशियो 5:6। आफ्टर 8 ईयर्स द रेशियो ऑफ द एजेस विल बी 7:8। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एजेस, ऐसा कहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व करने के लिए आपको समय देता हूँ, देखते हैं आप कितने जल्दी सॉल्व करते हो उसे, देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए। ओके चलो देखते हैं। सो यहाँ पे आपके जो दो लोग हैं, एक ना एक शिरीष और कुंदर ऐसे नाम है उनके, तो आई विल राइट एस फॉर शिरीष एंड के फॉर कुंदर, ठीक है। द रेशियो इज 5:6 फर्स्ट, ठीक है। पहला जो रेशियो है आपका वो
5:6 है इनका, और बदल के कितना हुआ है, आफ्टर इट इज द रेशियो विल बिकम 7:8। आपको सिर्फ ये देखना है कि डिफरेंस कितना है। सो यहाँ पे 2 का डिफरेंस दिख रहा है मुझे दोनों में, 5:6 है, 7:8 है। अब ये देखो, ये पहला रेशियो जो है ये प्रेजेंट का है, और ये नेक्स्ट रेशियो जो है 7:8 ये कब का है, आफ्टर 8 ईयर्स का है। अब यहां से यहां तक गैप कितने सालों का हुआ है, 8 साल का ही हुआ है, मतलब इस 2 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 8 ईयर्स है। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 4 हो जाएगा, 8 को 4, 8 को 2 से डिवाइड करो 4 मिल जाता है, और इस 4 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट योर एक्चुअल आंसर। क्या पूछा है, उन्होंने डिफरेंस पूछा है। सो 5 और 6 और या फिर 7 और 8 दोनों का डिफरेंस अगर आप देखोगे ना तो वो 1 ही आ रहा है, और इस 1 को आपको इस 4 से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द ओरिजिनल वैल्यू दैट इज 4 ईयर्स, मतलब आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है ना। सो आई होप दिस इज क्लियर, है ना। जिस भी तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आप सबको ये समझ में आया होंगे, आई होप। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और करनी है घर पे, ठीक है ना। सो और 10 से 15 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे समझ में आने लग जाता है, ठीक है। सो हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।